हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हेलो किड्स, हाउ आर यू। अच्छा बच्चों, अभी आपने 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था, आप लोगों ने उसमें ये पतंग देखा होगा, ठीक है, और आप लोगों ने काफ़ी लाइक भी किया था इस पतंग को, और इसका पीछे का भी आपने स्ट्रक्चर देखा था कि किस तरह से बना हुआ है ना। ये बच्चों 15 अगस्त के लिए बनाया है, और ये बहुत ही अच्छा उड़ेगा पतंग ये, और इसको मैं उड़ा करके भी दिखाऊंगा। और ये देखिए, आई लव माई इंडिया, और इसका ये देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कल एक और पतंग बनाई है, ठीक है, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बच्चों, ये उसका बड़ा भाई है, और इसमें 4 विंग्स लगे हुए हैं। ये भी एक जेट फाइटर काइट है, बहुत अच्छा है। इसको तो मैंने उड़ा के भी देख लिया, इसको उड़ा के भी देख लिया, इससे मैंने 2-3 पेज भी काटे हैं, और बहुत अच्छा पतंग है बच्चों, इतना अच्छा है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और इसका खींच बहुत एक्यूरेट है, बहुत पावरफुल पतंग है, और इसमें देखिए 4 विंग्स लगे हुए हैं, और ये देखिए और ये देखिए, ठीक है, इसमें 4 लगे हुए, इसमें 1 लगा हुआ था ना, इसमें 4 लगे हुए हैं। और इसका भी पीछे का भी स्ट्रक्चर देखिए कैसा है, ठीक है, इसका सामने का देखिए। और बच्चों आपको मैं बता दूं कि इसकी इतनी स्पीड है, मैं कह नहीं सकता क्योंकि पतंग लंबी भी है काफी, और इसके ये जो विंग्स हैं, और ये जब हवा में घूमेंगी बहुत ही अच्छा लगेगा, ये पूरी एकदम हवा में ये पूरा घूमेगा। अब आप देखिए बच्चों दोनों डिजाइन में क्या फर्क है, आप इसको भी देखिए और इसको भी देखिए। इस वाले के जो हैं, जो पहले पतंग बनाई थी, इसके विंग्स पतले हैं और इसके विंग्स चौड़े हैं। ये बॉम्बर है, ये रियल बॉम्बर जेट फाइटर काइट है, और ये जेट फाइटर काइट है। अब इसका इसका पीछे का स्ट्रक्चर ऐसा है, और इस वाले का पीछे का स्ट्रक्चर ऐसा है, दोनों के स्ट्रक्चर में फर्क है। और इन दोनों पतंगों के अलावा बच्चों मैंने आज एक और पतंग भी बनाई है, और मैं ये तो थोड़े से मुश्किल है दोनों ही पतंग, ये पतंग भी काफी मुश्किल है इसको बनाना, ये आप लोग बना नहीं पाओगे, काफी टाइम लग जाएगा आपका, काफी टाइम किल होगा। और ये वाला भी पतंग काफी मुश्किल है, और क्योंकि इसमें भी वर्क बहुत ज्यादा है ना, इसमें भी बहुत ज्यादा वर्क है। लेकिन मैंने आज जो पतंग बनाया है वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बनाना सिखाऊंगा। आज मैंने ये वाली पतंग बनाई है, ये बहुत सिंपल है, ये बहुत आसानी से आप लोग बना लोगे। मैं अगले वीडियो में आपको इसको बनाना सिखाऊंगा, और आप लोग देखना, ये भी बहुत ब्यूटीफुल पतंग है, और उड़ने में ये बहुत अच्छा उड़ेगा, क्योंकि अभी तो मैंने उड़ा के देखा नहीं है, लेकिन मेरे को इसके शेप से ही पता लग जा रहा है, पता चल रहा है कि ये बहुत अच्छा उड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको अगले वीडियो के अंदर इस वाले पतंग को बनाना सिखाऊंगा, ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये आसान है ना? और आप लोग मेरे चैनल को जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल का नाम है सोमेन घोष, ठीक है बच्चों, मेरे चैनल का नाम सोमेन घोष है, आप लोग जरूर लाइक करना इसको और सब्सक्राइब भी करना, और आप इस पतंग को भी देखो, आई लव यू इंडिया क्लीन इंडिया, आई लव यू इंडिया क्लीन इंडिया। और ये पतंग तो मैंने पहले मैसेजिंग काइट के लिए बनाया था, और ये सब मैं 15 अगस्त के लिए बना रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं कागज वगैरह इसका सारा लेकर के आया हूँ, और अगले वीडियो में आप मेरा ये वाला पतंग बनाना देखना, और आप लोग बहुत इजीली सीख लोगे, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।